आइए प्रयास कर रहा हूं, बहुत अच्छे श्रोता बंधु बैठे हुए, सोच रहा हूं एक गीत आप लोगों को सुनाया जाए, अच्छा लगेगा, सुनिएगा। नहीं, ये जी कैमरे वैमरे का महत्व तो अब हम लोगों के जीवन में नहीं है, उसका कारण ये समझ लीजिए कि बहुत तो कैमरे के सामने रहते हैं, अब थोड़ा मोड़ा इससे बचने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल। लेकिन अब समस्या ये है कि हर जगह इस समय आजकल लिखा रहता है आप कैमरे की नजर में हैं, तो उसमें तो रहना पड़ेगा। आइए चलाओ, एक बहुत प्यारा सा गीत सुना रहा हूं और गीत कह रहा है क्या, तो हरि नाम के बिना भैया, बड़े भाई देवेंद्र तिवारी जी जहां कहीं हो, मैं निवेदन करूंगा थोड़ी देर के लिए आ जाए संजय भैया, और इस गीत को जरूर भेजिए। तो हरि नाम के बिना, प्रभु के नाम के बिना, जरी जाए बरी जाए, जरी जाए जिभिया पापड़ी, हरि नाम के बिना जरी जाए जिभिया पापड़ी, हरि नाम के बिना जरी जाए जिभिया पापड़ी, हरि नाम के बिना। माता बहने सुनिएगा, गीत आप लोगों ने सुना होगा, भजन गायकों ने गाया है, अगर यही गीत मैं गा दूंगा तो फिर आप सोचेंगे वही गीत पुराना गाया गया है। मैं गीत आधार ले रहा हूं, सिर्फ उसमें अपनी बात रख रहा हूं। हाँ। ले चल रहा हूं आपको कहां, कि गंगा के तट पर लक्ष्मण सीताराम आ गए, पर लक्ष्मण सीताराम आ गए, करने को गजब लीला ललित ललाम आ गए। भैया लोगों सुनिएगा, आपको लगेगा कि श्रीमद् भागवत के साथ कीर्तन हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। गंगा के तट पर लक्ष्मण हो, गंगा के तट पर लक्ष्मण सियाराम आ गए, और करने को गजब लीला ललित ललाम आ गए, आवाज लगाई आओ केवट भैया, आवाज लगाई आओ केवट भैया, जाना है गंगा पार अपनी लाओ नवैया, आ जाना है गंगा पार अपनी लाओ नवैया, कहा जाना है गंगा पार अपनी लाओ नवैया। हाँ। और जितना मैं जानता हूं उस हिसाब से उस समय केवट के कानों में वो आवाज पड़ी। हाँ। और जब आवाज पड़ी तो जाना है केवट ने मेरे सरकार आ गए, तो जाना है केवट ने मेरे सरकार आ गए,
और सतयुग से राह देखूं वो करतार आ गए, वो करतार आ गए, वो करतार आ गए, करतार आ गए। तो सुन कर के प्रभु के बहन केवट दौड़ कर आए, सुन कर के प्रभु के बहन केवट दौड़ कर आया। नैया है हाजिर प्रभुवर, नैया है हाजिर प्रभुवर, कर जोड़ कर आया, कर जोड़ कर आया, कर जोड़ कर आया। किया क्या केवट ने क्या कि बैठा कर सबको नाव में, बैठा कर सबको नाव, तो बैठा कर सबको नाव में हर साने लगाए, बैठा कर सबको नाव में हर साने लगाए। जो सुख नहीं था पाया आज पाने लगाए, आज पाने लगाए, आज पाने लगाए। तो आनंद परमानंद में वो खोजने लगा, वो बैठा कर प्रभु को नाव में ये सोचने लगा। और सोच क्या रहा है केवट, माता जी जरा देखिए केवट के भाव क्या है। केवट कह रहा है, अरे नाव में मिले कमल से कोमल पाओ हमका नाव में मिले, कमल से कोमल पाओ नाव में मिले, कमल से कोमल पाओ नाव में मिले। पाप करे बिन गति नहीं, पाप करे नहीं चैन, पाप करे अगर हरि मिले तो पाप करो दिन रैन। अरे नाव में मिले ही हम खा नाव में मिले, कमल से कोमल पाओ हम खा नाव में मिले, कमल से कोमल पाओ हम खा नाव में मिले, कमल से कोमल पाओ हम खा नाव में मिले। आज से पाप चूर है माया दूर है, मेरे जीवन से पाप चूर है माया दूर है, जीवन नूर हुआ। अरे काया हूर है अब सुरूर है, दूर गुरूर हुआ, दूर गुरूर हुआ, दूर गुरूर हुआ। तो सारी सृष्टि भोलेनाथ में डमरू और आराम से ओम नमः शिवाय। पाओ नाथ के नाम में मिले, कमल
सुनिएगा बेटा, ले लूंगा, पैसे का कोई विषय नहीं है, बात समाज तक जानी चाहिए, और तब तक आप और पैसा इकट्ठा कर लीजिए, जो लोग देना चाहे उनसे मांग के ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सुनिएगा दूसरा टुकड़ा हमारा, सुन लीजिए। अरे हृदय हर्ष है मिला दर्श है, आज मैं जाता था कक्षक रूप में था, वो यही से स्नान की फन मार देते थे, मैं पीछे हो जाता था, क्या बात भैया, क्या बात। लेकिन आज आज ये जा नहीं सकते, आज हमारी नाव में है। केवट कह रहा है, हृदय हर्ष है मिला दर्श है, पद स्पर्श किए प्रेम अनन्य है, मन प्रसन्न है, मम जन धन्य किए, मम जन धन्य किए, मम जन धन्य किए। सत्ता इस टुकड़े को सुनिएगा, तो जिनको खोजा दुनिया को खोजा दुनिया में, कोई हमारे गांव में मिले, कि जिनको खोजा दुनिया में, कोई हमारे गांव में मिले, ई कमल से कोमल भावनाथ के नाम में, कमल से कोमल भावनाथ के नाम में मिले, एक बार दोहराने के लिए कहा है इस पंक्ति को, प्रयास कर रहा हूं, कहना है कि दुनिया में जिनको खोजा, दुनिया में जिनको खोजा, कोई हमारे गांव में मिले, कमल से कोमल भावनाथ के नाम में मिले, कमल से कोमल भावनाथ के नाम में मिले, कमल से कोमल भावनाथ के नाम में मिले, तो नाम में मिले ही हमका नाव में मिले, नाव में मिले, ये कमल से कोमल भावनाथ के नाव में मिले, कमल से कोमल भावनाथ के नाव में मिले, कमल से कोमल भावनाथ के नाव में मिले। अंतिम पंक्ति आएगी इसकी, और तब तक सुनिएगा बेटा, सुनिएगा। बड़ी खुशी की बात ये है कि नवयुवक कीर्तन सुन रहे हैं, नहीं नवयुवक लोग तो बुंदेली सुनते हैं, लोग गीत सुनते हैं और भी गीत सुनते हैं, लेकिन कीर्तन कम सुनते हैं, लेकिन आप कीर्तन सुन रहे हैं, सुनिएगा। अंतिम पंक्ति है गीत की, केवट कह रहा है, नित बसंत है सुखद अंत है, और ये सत्य है, केवट का इतिहास बहुत लोगों ने गाया, भगवान राम वन को चले गए, उसके बाद केवट क्या हुआ, केवट कैसा था, केवट कौन था, किसी को मालूम, किसी को जानकारी हो बताना, किसी विद्वान से पूछ लेना, संभवतः का चैलेंज है इस बात, बस केवट सिर्फ प्रभु राम के आगमन का इंतजार कर रहा था। भैया क्या बात है, और देखिए केवट ने किया क्या, कि नित बसंत है सुखद अंत है, केवट संत हुआ, और अब आनंद है परमानंद है, केवट ने सोचा आज से अब आनंद है परमानंद है, यो धंधा बंद हुआ, यो धंधा बंद हुआ, यो धंधा बंद हुआ, क्यों बंद हुआ, क्योंकि क्यों, अरे दुनिया के दुनिया के सारे वैभव इनके पास
कमल से कोमल पाँव नाथ के पाँव में मिले, कमल से कोमल नाथ के पाँव में मिले, कमल से कोमल पाँव नाथ के पाँव में मिले, कमल से कोमल पाँव नाथ के पाँव में मिले। बोलिए सच्चे दरबार की जय।